अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं बुशनल की 80x90 बायनोकुलर फॉर बर्ड वाचिंग एंड हंटिंग। ठीक है, इसका हमने जूमिंग देखनी है कि कहाँ तक काम करती है। ठीक है, ये इसकी पैक है। ठीक है जी, आपको मालूम होना चाहिए कब बनी थी बुशनल। ये इसकी स्पेसिफिकेशन 1948 से इस्टेब्लिश है ये कंपनी। एक अच्छे बायनोकुलर में इसका शुमार होता है बुशनल का। तो इसको हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसकी मैं जूमिंग बताऊंगा आपको। इसके अंदर मुख्तलिफ पंफलेट है और ये लेंस साफ करने के लिए कपड़ा मौजूद है आपके पास। तो ये देखें, ये मैंने खोला जी इसको। इसकी जूमिंग बड़ी ज़बरदस्त है और एक कम कीमत में अच्छी बायनोकुलर है। इसके वजन है 1.3 केजी है, ब्लैक है। इसके अंदर रिबन है और ये रिबन भी है और ये इसके अंदर पंपलेट भी है। तो ये देखें जी, ये इसका ग्लासेस के आउटपुट्स हैं। ये मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, मैं ये देखिए ग्लासेस को देखें, जहाँ इसमें आपको मैं बता दूं कि ग्लासेस को आपने चेक किस तरह करना है। जहाँ इसमें ब्लूश आ जाए, ग्रीनिश आ जाए, तो उसका मतलब है अच्छी ग्लासेस लगी हुई इसके। जो आप अगर टेढ़ा करके इसको देखें तो ये ब्लूश आ रहा है, ब्लू किस्म का रंग है, तो उसका मतलब है ग्लासेस इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगे हुए हैं। यहाँ भी आप देखें, एक नीले एक रंग का ब्लूश कलर आ रहा है इसमें। तो ये देखें बुशनल और 90x80 जूमिंग। ठीक है, 186 फुट और 1000 यार्ड। ठीक है जी, अच्छी बायनोकुलर है जूमिंग के लिए लिहाज से। ये देखें इसकी जूमिंग है, 10 से लेकर आप 90 तक बढ़ा सकते हैं इसकी जूमिंग। तो मैं देखता हूँ, ये देखें सामने आपको वो टावर नज़र आ रहा है, मोबाइल टावर। ठीक है, वो बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखें, अगर आपको कुछ धुंधला सा नज़र आता है तो आप ये इसको, ये जूमिंग है इसकी, तो आप इस जूमिंग को आपने आगे पीछे करना है। और ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये देखें ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपने देखनी। तो ये देखें बिल्कुल ठीक है, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है आपके वो दूर, और टावर के इस वहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, वहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं इधर से देखूँ तो कबूतर बिल्कुल यहाँ से नजर आ रहे हैं। नीचे उसके बिल्कुल नीचे घर है, उधर एक बच्चा भी है, लेकिन उससे पीछे वो जो टावर है वो भी मेरे बड़ा साफ नजर आ रहा है। उस टावर के ऊपर ये अभी दो परिंदे आके बैठे हैं, ये दो कबूतर होंगे ये परिंदे, लेकिन यहाँ से मुश्किल है नजर आना। ये तीसरा आके बैठा है, चौथा आके बैठा है, ये टावर के ऊपर, वो पीछे टावर, मोबाइल टावर जो नजर आ रहा है। तो अच्छी खासी इसकी जूमिंग है, एक कम कीमत में बेहतरीन बायनोकुलर है, अच्छी बायनोकुलर है, जूमिंग के लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा वज़न भी है, 1.3 वज़न है, मतलब एक मुनासिब कीमत में एक अच्छी बायनोकुलर आपको मिल जाती है। तो देखें, ये इसकी एडजस्टमेंट आप में मैं बता रहा हूँ, ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये आगे पीछे देखें एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके ये जो बटन नज़र आ रहा है, ये इसकी जूमिंग है। अच्छा, जूमिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दो किस्म की जूमिंग है, ये देखें एक ये जूमिंग है। ठीक है, यहाँ से भी आप जूमिंग कर सकते हैं, अच्छी बायनोकुलर है जी, बेहतरीन है। तो ये थे बुशनल का 80x90 का रिव्यू। इसकी जूमिंग आपको मैंने बताई कि कहाँ तक काम करता है, तकरीबन 2 किलोमीटर तक बेहतरीन काम करता है। दिन की रोशनी हो तो बेहतरीन है, रात में भी काम कर लेता है लेकिन दिन में तो बेहतरीन ही काम करता है। तो बुशनल की 80x90, ये देखें जी, ये बुशनल की 90x80 बायनोकुलर है। इसका नाइट विजन देखें, ये चांद है, ये रात को चांद की रोशनी, अगर मैं बग़ैर उसके देखूं ये चांद को, ये देखें ऊपर चांद आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको बायनोकुलर से देखूँ बुशनल की 90x80, तो ये है इसका व्यू। ये देखें, ये व्यू है बुशनल 90x80। अगर मैं इसको और जूम करूं, ये रहा इसका जूम, बस बस इधर लाएँ ज़रा,
ये है जी नाइनटी बाई एटी का चांद का व्यू, बुशनल है, बहुत क्लियर व्यू है चांद का। अगर मैं नेक्ड आई से देखूं तो और वाजे नज़र आएगा। ये तो कैमरा है ना इसके, जो ये तो कैमरा है ये देखें, और अगर मैं बगैर बाइनोकुलर के देखूं तो इस तरह नज़र आता है। ये देखें, मैं अभी बाइनोकुलर से हटाता हूँ तो ये देखें ये कितना दूर है, ठीक है ना। तो ये है बुशनल 90x80, इसका व्यू आपने देखा है।